अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार होममेड स्ट्रॉबेरी जैम। इसके लिए हमें एक प्याली स्ट्रॉबेरी चाहिए, आधा लीमू और एक कप से थोड़ी सी कम चीनी। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से ये घर में बन जाता है जैम। हम स्ट्रॉबेरी को बारीक चॉप कर लेंगे, अच्छी तरह धोने के बाद स्ट्रॉबेरी को बारीक चॉप कर लें इस तरह। इसको हम एक फ्राई पैन में डालेंगे और इसके साथ ही हम शुगर ऐड कर देंगे। शुगर आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर एक कप अगर आपने स्ट्रॉबेरी ली है तो एक कप ही इसमें चीनी जाएगी तकरीबन। थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं आप। अब हमने आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है और इसको हल्की आंच पर मुस्तकिल चलाते हुए पकाना है। थोड़ी देर में चीनी मेल्ट हो जाएगी और जैम पकना शुरू हो जाएगा। इसको हमने अच्छी तरह पकाना है कि अच्छी तरह ये स्ट्रॉबेरी अपने ही पानी में, ये स्ट्रॉबेरी पानी रिलीज करेगी, इससे ये गल जाएगी अच्छी तरह स्ट्रॉबेरी। या फिर हम इसको मैशर की मदद से भी अच्छी तरह इसको मैश कर सकते हैं। आंच कम रखनी है, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है और मुस्तकिल चम्मच चलाना है, ऐसा ना हो कि ये नीचे से लग जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद देखें, चीनी ने सारा पानी रिलीज कर दिया और स्ट्रॉबेरी ने। अब हम इसके अंदर आधा लीमू छानकर और ये डाल देंगे निचोड़कर। बीज वगैरह बिल्कुल नहीं जाने चाहिए इसके अंदर। लीमू डालने से ये हम काफी देर तक, यानी काफी दिनों तक जैम रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। अब मैशर की मदद से आप इसको अच्छी तरह मैश करेंगे। स्ट्रॉबेरी तकरीबन गल चुकी है अच्छी तरह, इसको हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे। तकरीबन 18 से 20 मिनट तक हम इसको स्लो आंच पर पकाएंगे। जैम गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको चेक करने का एक तरीका ये भी है कि आप प्लेट के अंदर जब अच्छी तरह पक जाए और आपको लगे कि पानी खुश्क हो गया, देखें इस फॉर्म में आ गया, ये अच्छा सा ये गाढ़ा हो गया है, तो इसके को आप एक साफ प्लेट के अंदर थोड़ा सा डालकर देखें। इस तरह आप नीचे करेंगी तो ये जैम बेकर नीचे नहीं आ रहा, इसका मतलब है जैम हमारा तैयार हो चुका है। इस तरह आप उंगली की मदद से भी चेक कर सकते हैं, देखें ये बिल्कुल भी बेकर नीचे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है जैम तैयार हो चुका है। आप इसको ठंडा करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर आप रख सकते हैं, या प्याली में डालकर, वैसे भी आप फ्रिज में रख सकते हैं इसको। सुबह नाश्ते में ब्रेड पे लगाकर खाएं, या शाम में बच्चों को ब्रेड पर लगा कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होममेड जैम, स्ट्रॉबेरी जैम बनकर हमारा तैयार हो गया है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। अल्लाह हाफिज़।